जी, क्या हाल चाल जी? सब ठीक हो? और यार, एक लड़का है अखिल, उसने मुझे कमेंट किया था। उन्होंने बताया था मैं एक वीडियो बनाया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्हीं F15 क्रेन का, ठीक है? तो उसमें मैंने गेयर बॉक्स का नहीं बता सका, उसमें पता नहीं, मुझे याद नहीं रहा। आई थिंक मुझे टाइम नहीं इतना मिला, लेकिन मैं बताया नहीं। इस बार वही उसके कहने पर ये इसके बारे में बता रहे जा रहा हूँ, ठीक है? और दो तीन चीज़ें और इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। अखिल इसका नाम है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था, ठीक है? आप देख सकते हो, ठीक है? गियर बॉक्स का वो तो आपको उस दिन मैं क्लच का दबाया बताया था आपको, क्लच बारे में, क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर में बताया था, लेकिन गियर बॉक्स के नहीं बताया था। गियर बॉक्स का उन्होंने बताया, गियर बॉक्स बारे में बताओ। गियर बॉक्स में बताने के लिए मतलब ये है मेरे पास अभी। ओके, फर्स्ट इधर पड़ेगा, मतलब आपको दिखाता रहा पड़ेगा। फर्स्ट, रिवर्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर एंड फाइनली फाइव। ओके ओके, क्लच दबाया हुआ है, छोड़ दिया अभी। ओके ठीक है, ये इसके गियर हैं। और सेकंड वाला आपको बताया नहीं मैंने, सॉरी, ये सेकंड है इसका, ठीक है? पीछे की सीट डायरेक्ट ओनली। ओके, और ये रिवर्स है अभी, और नया, ठीक है ना? अभी मतलब रिवर्स का लगा हुआ है अभी। ओके, मतलब गियर इनके सिंपल है, ठीक है? कोई इतना बड़ा है नहीं, मतलब ये है वो, ठीक है ना? फर्स्ट, रिवर्स, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव। ओके, ये तो क्या फाइनल। ये इसका है पार्किंग, इसका ये पे पार्किंग रहता है, ठीक है ना? अभी इस पर ऑन पे है, ठीक है ना? तो क्लोज पूरा दिखाता हूँ, उधर अच्छे से दिख नहीं जा रहेगा। इस टाइम ऑन पे है, ऑन पे कर देता, ठीक है ना? अभी ये रिलीज हो गया है, यहाँ लाइट नहीं आएगा पार्किंग का, बैटरी का आ रहा है ना, यहाँ अभी आएगा। अभी इसको करते हैं यहाँ से ऑन, पार्किंग लग गया, वहाँ लाइट आ करेगा। इस टाइम पार्किंग में गाड़ी अपना। ओके फाइनल, ये अपना इंजन स्टॉप के लिए है। ओके इंजन, ये इसका मैं इसके बारे में पार्ट में बताया नहीं था, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मतलब यार किसी को नहीं, मतलब कोई गाड़ी मैंने स्टार्ट किया। ओके, रनिंग में आप देख सकते हो ना। ओके, न्यूट्रल है वो तो न्यूट्रल रहेगा। अभी ये स्टॉप के लिए है, ये अभी स्टॉप हो जाएगा, देखो गाड़ी स्टॉप हो गया, ठीक है? ये स्टॉप के लिए। ओके, और इसमें मतलब एक बात आपको और मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है? कभी हम जाते हैं मतलब कहीं कहीं काम आया, ठीक है? ओके, हमको काम करने जाना, कहीं रोड पे जा रहे हैं हम, ओके, रनिंग में हम, बाय चांस भगवान ना करे वही कहीं कोई मतलब हमारी वहाँ जो भी चीज़ है ये पलट के वहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, क्लच के नीचे। अब गाड़ी हमको जा रहे हैं, हम तेज है हमारे स्पीड, अब गियर भी आगे खड्डा आ गया, गाड़ी आ कार आ गया, ठीक है, मान लो। ओके, और उसके उसके बाद हम गाड़ी स्लो कर लिया, हम तो फिर ब्रेक दबाएंगे, क्लच दबाएंगे, साथ में दबाएंगे ना, पता है आपको? तो उस टाइम हम गियर स्लो करेंगे, लेकिन जब तब ये साला सिस्टम हो जाएगा, देखना। ये हाँ ऐसे है, ठीक है ना? अभी ब्रेक मारा, आपको पता है इसका ब्रेक एयर है, गया ऐसे नीचे नीचे गया, अभी हमको खड़का आया एकदम ऐसे किया, ओहो, फिर एक्सीडेंट का कारण बनता है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखो। चलो मैं तो इसको थोड़ा बांध देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने यहाँ इसको ऐसे रखा हुआ है खड़का के, ये तो नहीं गिरता, मतलब और कोई ये और भी कुछ हो सकता है, ये छोटा मोटा है कोई भी, ये मेरे चांस खुद हो सका है, हो चुका है, ठीक है ना? मतलब मैंने यहाँ पे बॉर्डर रखा था, मैं आ रहा था नीचे, डाउन में जा रहा था, ठीक है? अब जा भी स्लो रहा था और ऐसे हुआ, वो पानी का बोतल भर के मेरी जॉब पे ही गया, ठीक है? मैं दबा दिया, पानी का बोतल था इसलिए बचा हो गया, ठीक है? तो फट गया, इसलिए मतलब कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। प्लीज़ केयरफुल रहो, ठीक है ना? कभी भी मतलब कोई भी है ना, मतलब कोई भी चीज़, ये तो मेरा बॉक्स है, चलो चलो ठीक है ना, जैसा भी है, लेकिन कभी भी है मतलब चलते समय ना, खास करके रोड के ऊपर क्लच फ्री रहना चाहिए, इसके नीचे कोई सामान ना यहाँ पड़ा हो, नहीं तो वो नीचे आ सकता है, ब्रेक दबाएंगे हम। ओके, थोड़ा आपको बता देता हूँ, मतलब ये मतलब इसका हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है ना? ओके, हाइड्रोलिक यहाँ से उठता है, इसका मतलब चेंज करते हैं, आई थिंक 1 ईयर के करीब मैं मैनुअल में देखा था। ओके, तो ये आपने देखा होगा हुकअप, वहाँ से देखता है, ठीक है? वो किस लिए है, मतलब जैसे मतलब हमारा गाड़ी सेफ खड़ा है, ठीक है? हमारा गाड़ी सड़क पे है, अभी कोने पे हमारा बूम वहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है ना? लेकिन हमने एक गाड़ी निकाला था टाटा 407, ठीक है ना? और वो हमने निकाला था बूम की वजह से, ठीक है? वहाँ पे उस हेडरे को ये हुक नहीं थी, ठीक है? ये मेरे फ्राने को ये हुक है, वहाँ उस हेडरे को नहीं थी, और कहीं मतलब कचरे में गाड़ी फंसा हुआ है, मतलब कचरे में, मतलब मिट्टी में, खड्डे में, मतलब गिरा हुआ गाड़ी, ठीक है ना? और हमारा बूम वहाँ नहीं मतलब पहुँच रहा है, बूम से रिस्की काम है, ठीक है ना? तो इसलिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो इसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे सीलिंग उसको गाड़ी को डाल के, इसको में डाल के खींच सकते हैं आसानी से, हमारे हेडर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है ना? ये तो इसका हो गया। ओके, क्लियर है, कचरा नहीं दिखाना मुझे, ये डीजल टैंक है,
इसमें डीजल आता है, ओके क्लियर है। बाकी इसकी चार ऑटो में तो डीजल फिर यूज़ करना पड़ता है, तो आपको किसी और बताना पड़ेगा ठीक है ना। एयर क्लीनर इसका प्लीज़ साफ करो ओके, तो क्लीन करना ज़रूरी है ओके, बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा हम सांस लेते हैं, सही इसका भी सांस है ओके। और इसको मैं हॉर्न है, इनको हमारे लगे हुए हैं एयर प्रेशर वाले ओके, तो हॉर्न बहुत ज़बरदस्त है ओके। एयर क्लीनर इसका जरूर साफ करो ओके। यही वीडियो में आज था मेरा वो अखिल का यार, उसने मुझे बोला यार, उसने कमेंट में बोला मतलब गियर बॉक्स में, और बताया नहीं अपने ही सुन लिया, सॉरी इसके लिए रह गया मेरा ठीक है। गियर बॉक्स और कोई सिंपल है इसका है नहीं, वही सिंपल फंडा है क्लच दबाओ। बाकी आपको यार गियर बॉक्स में जरूर याद रखना है, कोई सामान यहाँ ना हो, यहाँ हुआ ब्रेक लगाया नीचे आएगा, एक्सीडेंट का कारण बनेगा, शावर टूटेगा, क्या कुछ होगा, नुकसान ही नुकसान है ठीक है। प्लीज़ केयरफुल रहो ओके, टेक केयर यार, है गाइस ओके, बाय बाय।